जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 का पहला महामुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और आईपीएल के इस पहले मुकाबले की शुरुआत होने से पहले चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पिच को देखते हुए चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है और इस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक घातक और धुरंधर खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। क्योंकि दोस्तों, चेन्नई की टीम पिछली बार की चैंपियन टीम है और इस बार भी सीएसके की टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है और छठी बार आईपीएल की चैंपियन बनना चाहती है। इसलिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मुकाबले के लिए बेहद ही खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी को लेकर आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इस पहले मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सीएसके के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला 23 मार्च को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो कि रात को 8 बजे से शुरू होगा। दोस्तों बता दें कि आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच बेहद ही रोमांचक होने वाला है और दोनों ही टीमें इस पहले मुकाबले की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई हैं और दोनों ही टीमें चिपॉक के मैदान पर पहुंचकर जमकर प्रैक्टिस भी कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही टीमें जीत के साथ आईपीएल 2024 की शुरुआत करना चाहती हैं, इसलिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर हम सीएसके की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो इस बार चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत होने से पहले चेन्नई के ओपनर बल्लेबाज डियोन कॉनवे चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से अब पहले मुकाबले में चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि दोनों ही बल्लेबाज T20 फॉर्मेट के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। और अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग में आकर ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं और विरोधी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हैं। और आईपीएल 2023 के सीजन में भी ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि 2023 के सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की तरफ से कुल 16 मुकाबले खेले थे और इन 16 मुकाबलों की 15 पारियों में 4 अर्धशतक की मदद से 590 रन बनाए थे। ऐसे में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा रचिन रविंद्र भी T20 फॉर्मेट के काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। दोस्तों बता दें कि रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के बेहद ही खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं और आप सभी लोगों ने ओडीआई वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्र को बल्लेबाजी करते हुए देखा ही होगा, जहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से भी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। और इसी को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने रचिन रविंद्र को अपनी टीम में शामिल किया है और फिलहाल रचिन रविंद्र काफी अच्छी फॉर्म में भी हैं। ऐसे में आईपीएल 2024 में भी रचिन रविंद्र काफी खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं बात करें नंबर 3 की, तो तीसरे नंबर पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अजिंक्य रहाणे को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों बता दें कि अजिंक्य रहाणे भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो कि अकेले दम पर ही मैच जिताने का दमखम रखते हैं और कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। और आईपीएल 2023 में भी अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल 2023 के सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले थे और इन 14 मुकाबलों की 9 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे ने 2 अर्धशतक की मदद से 326 रन बनाए थे। जबकि दोस्तों नंबर 4 की बात करें, तो नंबर 4 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर मोइन अली को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों बता दें कि मोइन अली काफी खतरनाक और विस्फोटक खिलाड़ी हैं, जो कि अपनी गेंद के अलावा बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं और मोइन अली सीएसके के लिए काफी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली को खेलने का मौका दिया है। जबकि दोस्तों नंबर 5 की बात करें, तो नंबर 5 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने डेरियल मिचेल को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों बता दें कि डेरियल मिचेल न्यूजीलैंड के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो कि काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए डेरियल मिचेल को इस साल सीएसके की टीम ने ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है और नंबर 5 पर डेरियल मिचेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों बात करें नंबर 6 की, तो छठे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों बता दें कि रविंद्र जडेजा सीएसके के सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जैसा कि आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में आपने जडेजा की बल्लेबाजी देखी होगी, जहां पर उन्होंने अंतिम ओवर में 2 चौका लगाकर सीएसके को चैंपियन बना दिया था। रविंद्र जडेजा इस समय सबसे विस्फोटक और खतरनाक ऑलराउंडर बन चुके हैं। रविंद्र जडेजा अपनी गेंद के अलावा बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, इसलिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को तो आप सभी लोग जानते हैं कि महेंद्र
महेंद्र सिंह धोनी कितने विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ी हैं, जो कि सबसे सफल कप्तान भी माने जाते हैं और अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 बार आईपीएल का चैंपियन भी बना चुके हैं। जबकि दोस्तों बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शार्दुल ठाकुर को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। दोस्तों बता दें कि शार्दुल ठाकुर को भी सीएसके की टीम ने ऑक्शन में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है और इस बार सीएसके ने शार्दुल ठाकुर पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर शानदार गेंदबाज है, इसके अलावा शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और ऐसे में आईपीएल 2024 में शार्दुल ठाकुर सीएसके के लिए उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। जबकि दोस्तों बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर महेंद्र सिंह धोनी ने दीपक चहर को खेलने का मौका दिया है। दोस्तों बता दें कि दीपक चहर बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, जो कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा दीपक चहर बल्लेबाजी करके भी दे सकते हैं। जबकि दोस्तों नंबर 10 पर गेंदबाज के तौर पर महेश तिछड़ा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि महेश तिछड़ा शानदार लय में गेंदबाजी करते हैं और समय आने पर विकेट चटकाकर भी देते हैं और काफी शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला सीएसके और बेंगलुरु में से कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।